आज का जो टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज समथिंग कॉल्ड एज बायट एंड सावट लॉ. ठीक है, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, दिस इज वेरी सिंपल. इट इज बायट एंड सावट लॉ. बायट सावट लॉ क्या बोल, ठीक है, ये एक सिंपल सा चीज है, बहुत बहुत बेसिक सी चीज है. यहाँ पे मान लो एक वायर है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास मान लो एक वायर है जिसमें से करंट जो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है. क्या फ्लो हो रहा है? अरे सबसे पहले ना, ये जो 18 बच्चे दूसरे काम कर रहे हैं ना, वो जरा फटाफट लॉग इन करो, बंद कर दो, बंद कर दो जो भी तुम लोग फालतू के बकवास कर रहे हो दूसरे जगह. फटाफट फटाफट, 14 स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट डूइंग, स्टिल नॉट अटेंडिंग लेक्चर. स्टिल 14 स्टूडेंट्स आर नॉट, 12 स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग लेक्चर. फटाफट फटाफट फटाफट, 9, स्टिल 9, 8, 8 इज द फिगर नाउ. स्टार्ट जॉइनिंग, स्टार्ट जॉइनिंग, यस 10, और देखो बायट एंड सावट लॉ क्या बोलता है. मान लो मेरे पास एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, सब लोग देख पा रहे हैं इस वायर को जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है. अब यहाँ पे ना एक रैंडम पॉइंट है पी, कोई भी आलता भलता सा पॉइंट ले लिया पी. मेरे को ना एक वायर में इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है ना वो देखना है. मुझे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है ना वो चेक करना है. कहाँ पे चेक करना है बेटा? पॉइंट पी पे चेक करना है. ठीक है, अब यहाँ पे ना इसके आसपास में छोटा सा लेंथ अज्यूम कर रहा हूँ डीएल, छोटा सा लेंथ अज्यूम कर रहा हूँ डीएल, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई. मेरे को पॉइंट पी पे ना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. क्या चाहिए बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. ठीक है, अब पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ना बायट सावट लॉ के अनुसार, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. बीबी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो जितना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा ना इस वायर में से, जितना ज्यादा ये वायर में करंट फ्लो होता है उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा. जितना ज्यादा ये इस वायर का लेंथ होगा, ठीक है, जितना लंबा वायर का लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा. ठीक है, ये भी बोलता है दैट डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. व्हाट इज आर? दिस. अगर मैंने दूर रखा ना पॉइंट पी को तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम आएगा, यहाँ पे रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कम आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा. तो इट्स बेसिकली डिपेंडेंट ऑन आर एज वेल. ठीक है, ऑल्सो दैट डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. इन चारों को जब मैं कंबाइन कर दूंगा तो आई क्लियरली सी दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर. और यहाँ पे मैं ना एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा, वो कॉन्स्टेंट क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर. दिस इज मेरा मैग्नेटिक फील्ड, यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस. इसमें म्यू नॉट, ठीक है, इस म्यू नॉट को बोला जाएगा 4π × 10⁻⁷ और इसको लिखते हैं हम लोग एब्सोल्यूट. ध्यान से सुनना बच्चों, परमेबिलिटी, ध्यान से सुनना, इट्स एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. जनरली फ्री स्पेस को हम लोग एयर या फिर वैक्यूम कंसिडर करते हैं. जो फ्री स्पेस वर्ड है ना बेटा, ये एयर या फिर वैक्यूम के लिए काउंट होता है. ठीक है, सबसे पहला चीज. सेकेंडली फ्री स्पेस मतलब वहां पे कोई दूसरा चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा चार्ज नहीं होना चाहिए और कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलेंगे. तो यहाँ पे ना मैंने बायट एंड सावट लॉ जो है वो कैलकुलेट किया. डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये चीज को मिस्टेक नहीं करना. यहाँ पे थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड डीएल. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड डीएल. ये चीज को भूलना नहीं है बच्चों. ठीक है, ये चीज को भूलने का नहीं. करंट और डीएल के बीच में अगर कोई डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं तो वो जो रहेंगे ना वो भी तुमको पता होना चाहिए.
इट्स ओनली फॉर जस्ट डीएल लेंथ ना बच्चों, ये ज्यादा बड़े लेंथ के लिए नहीं है, सिर्फ छोटे से लियन जो डीएल लेंथ है ना उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो। अब इसको इंटीग्रेट वगैरह नहीं करेंगे तो पूरे वायर का है। और यहाँ पे खत्म नहीं होता स्टोरी, स्टोरी में अभी बहुत कुछ है। जो 12 बच्चे लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे बच्चे, तुम्हारा डाउट आएगा तो फिर कैसे सॉल्व करके बताओ मेरे को जरा, ठीक है? देखो फिर से एक बार ही बता रहा हूँ मैं ये चीजें पूरी की पूरी रिपीट कर, आई एम रिपीटिंग द एंटायर थिंग अगेन, सो प्लीज गो थ्रू इट ध्यान से। तो मान लो, मान लेते कि तुम्हारे पास एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, जिसमें से क्या फ्लो हो रहा है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है? सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। यहाँ पे दूर दूर ना एक पॉइंट, मैं इसमें इसमें एक छोटा सा लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है? एक छोटा सा लेंथ ले लेता हूँ और इस छोटे से लेंथ को ना मैं डीएल लेंथ लिखता हूँ, ठीक है? अब एक रैंडम सा पॉइंट होगा, पॉइंट पी, मेरे को इस रैंडम से पॉइंट पी पे ना, रैंडम से पॉइंट पी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। क्या करना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इस डिस्टेंस को मैं लिख लूंगा आर, क्या लिख लूंगा मैं इस डिस्टेंस को लिखूंगा आर। मेरे को इस पॉइंट पी में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दैट इज डीबी। द लॉजिक सेज कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा ना इस वायर में उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा, ठीक है? ये भी बोलता है कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, जितना ज्यादा लेंथ मैं कंसिडर करूंगा, अगर वायर बहुत लंबा ले लूंगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी आ जाएगी। इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर मतलब जितना ज्यादा दूर होगा ना पॉइंट पी उतना ज्यादा कम मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जितना कम होगा मेरा पॉइंट पी उतना ही ज्यादा मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, ठीक है? चौथा जो होता है ना दैट इट सेज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड डीएल, द थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड डीएल, ठीक है? अगर इन सारों को मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे पता चलता है डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा। ओके लेट मी जस्ट बैक इट अप, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट तो डालना पड़ेगा ना बच्चों, तो कांस्टेंट डालूंगा ना तो मेरा डीबी का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये आता है मेरा डीबी का वैल्यू, ये क्या आता है बेटा मेरा डीबी का वैल्यू। थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन आई एंड डीएल। अच्छा यहाँ पे मैं ना कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये साइन थीटा क्यों आया, द वेरी रीजन इज यहाँ पे आई और डीएल के बीच में होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आई, सॉरी यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मैं लिखूंगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू आर, ये थोड़ा मैंने किया नीचे और ऊपर आर मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे सीन क्या पता है कि डीएल और आर के बीच में, ये डीएल और इस आर के बीच में ना एक क्रॉस प्रोडक्ट लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चों, एक क्रॉस प्रोडक्ट लग जाता है। सो दिस मेक्स इट म्यू नॉट अपॉन फोर बाय आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ऐसा कुछ तो सिचुएशन क्रिएट होता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ये चीज को, बात समझ में आया? फोर पाई कैसे आया बच्चा, देखो म्यू नॉट जो चीज होती है ना उसका वैल्यू होता है फोर पाई इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई का वैल्यू भी होता है टेन रेस टू माइनस सेवन, ठीक है? ये म्यू नॉट को हम लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कुछ नहीं है बेटा कॉन्स्टेंट है, ये कोई नहीं बट एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बात समझ में आया? एंड ऑल्सो ये चीज का वैल्यू भूलने का नहीं है, प्लीज डू नॉट मेक अ मिस्टेक ऑफ यू नो लाइक फॉरगेटिंग दिस वैल्यू, क्योंकि नुकसान में पड़ जाओगे। क्या सबको समझ में आई चीज, एक यस टाइप कर दो अगर समझ गया तो। साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में लिया तो साइन थीटा गायब हो जाएगा ना, डीएल क्रॉस आर है, ठीक है? समझ ये नहीं समझे बताओ देना मेरे को, वेरी गुड। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, अभी ना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इन स्ट्रेट लॉन्ग वायर। तो तुम्हें बोलेगा सर ऊपर वाला भी तो स्ट्रेट लॉन्ग वायर ही था ना, करेक्ट है स्ट्रेट लॉन्ग वायर ही था, बट
देखो तो सही इसको, और इस बारी मैं बायर सावर्ट लॉ ही यूज करूंगा, ठीक है। अब अगेन सेम चीज, मेरे पास एक वायर होगा, वायर में से फ्लो होता होगा एक थोड़ा सा करंट जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, एक थोड़ा सा करंट जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, और यहाँ पे पॉइंट पी होगा, और पॉइंट पी से ये जो आर का जो एक छोटा सा लेंथ लिया जाएगा उसका जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं लिखता हूँ आर। नहीं समझ रहे हो? इस डिस्टेंस को क्या लिखता हूँ मैं बेटा? आर। मेरे को इस आर से कोई मतलब नहीं, मेरे को इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना रहेगा वायर पे, ठीक है। वो परपेंडिकुलर को मैंने लिखा है कैपिटल आर। क्या लिख गया बेटा? कैपिटल आर। अभी तक का जो लॉजिक हम लोग को पता था, यहाँ पे अगर मान लो मेरा डीएल चल रहा है तो इनके बीच में जो एंगल है थीटा, अभी तक जो हमने सीखा था उसके अकॉर्डिंगली मेरा डीबी यानी मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बायट सावर्ट लॉ के अनुसार बिकम्स इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमने अभी तक तो सीख के रखा है, ये हमने अभी तक पढ़ के लिया था, बरोबर। बट नाउ आई नीड टू फोकस अपॉन अ फ्यू थिंग्स। व्हाट आर दिस फ्यू लिटिल थिंग्स जिस पे हम लोग को फोकस करना है? सबसे पहला चीज ना बच्चे लोग, ये जो भी ये चल रहा है ना, इसमें दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है। क्या है वो, क्या है वो चीजें जो जिसके कारण दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है? एक ये डीएल है, बरोबर। इस डीएल का ऊपर वाला जो लेंथ है ना, एक इसके कारण और एक होता है नीचे वाले लेंथ के कारण। एक तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ऊपर वाला लेंथ के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा और एक नीचे वाले लेंथ के कारण आएगा। जैसे क्योंकि हम लोग ना मानते कि ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स है, ये कैसे लेंथ के वायर्स है? इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स है। सो इस स्पेसिफिक लेंथ डीएल के ऊपर के कारण और नीचे का कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, वो टोटल टोटल अगर मुझे निकालना है ना, तो मुझे डबल करना पड़ेगा इस डीबी को, और सिर्फ डबल नहीं करना पड़ेगा, मुझे इसको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि मैं कंसिडर ही कर रहा हूँ इनफिनाइट वायर्स को। किसे कंसिडर कर रहा हूँ बेटा? इनफिनाइट वायर्स को। बात समझ में? अब देखो सीन आगे का, अभी यहां तक जिसको समझ गया उसके लिए कोई टेंशन नहीं। टूल या इंटीग्रेट कर दिया किसको? डीबी को। डीबी का वैल्यू क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगेन रेंज क्या है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये रेंज है मेरा। अच्छा अभी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर? मैं अज्यूम करता हूँ कि इसका वैल्यू एल है। ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर सोचोगे ना, इसका आंसर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाला, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सी इधर पे कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या उसका। 0 से लेकर इन्फिनिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, नॉट टू डिफिकल्ट, ठीक है। अगर मैंने ध्यान से देखा, दिस इज पाई माइनस थीटा, देखो ये थीटा है तो ये वाला जो होगा वो पाई माइनस थीटा का 180 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा का करेक्ट अगर किसी को पता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, आर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इफ यू थिंक अबाउट इट तो उनको समझेगा। ध्यान से देखो, व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा? साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। सो ये आ गया मेरा साइन थीटा का वैल्यू, तो मैं क्या करेगा ना, यहाँ पे जो साइन थीटा दिख रहा है ना, इसकी जगह सब्सटीट्यूट करेगा उसको। सो दिस बिकम्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह पे पुट कर रहा हूं मैं आर स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और जो पहले वाला था तो वो तो है ही है, ये जो था वो है ही, अभी बाजू में मैंने रूट भी लगा दिया। अब इसका पावर है 1, इसका पावर क्या है बच्चों? 1। मैं इसको ना साइड में ले रहा हूँ, ध्यान से देखो, दिस बिकम्स इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट पैरामीटर है, इसको मैंने साइड में ले लिया। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, होल्ड करो जरा। अब क्या आई डी एल इंटीग्रेशन के अंदर है,
आर भी इंटीग्रेशन के अंदर है, ये देखो इसका पावर 1 है और ये रूट का मतलब पावर हाफ होता है, 1 + 1/2 = 3/2, तो मैं इसको r² + l² raised to 3/2 ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान में रखना, इसमें मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। ऑल्सो मैं क्यों करूँ ये i को अंदर क्यों रखू, ये i को भी बाहर ले आता था ना, जबरदस्ती का मैच i को करने का, ये 2 इस 2 के साथ कट हो जाएगा, तो μ0 i/2π जो है वो पूरा का पूरा बाहर रह गया, वो r को भी मैं बाहर ही निकाल दूंगा क्योंकि उसकी भी मुझे कोई जरूरत